स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। सूरत के मोमनाबाड़ विस्तार में स्थित सोडावाला कॉरपोरेशन के समीप सोडावाला कॉरपोरेशन के मालिक और समाज सेवा करने में हमेशा तत्पर रहने वाले मुस्लिम समाज के आगेवान जुबेर भाई सोडावाला, इकबाल भाई बाबू, आरिफ भाई समा और सलीम भाई शेख द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ए मीम पार्टी के सूरत शहर प्रमुख वसीम भाई कुरेशी और ए मीम पार्टी की सूरत शहर महिला प्रमुख नजमा बेन खान का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर के महानुभावी शामिल। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले सूरत शहर से रहस्यमय तौर पर गायब हुई दो मासूम बच्चियों को कैटरस में काम करवाने के बहाने उन्हें ले जाकर किसी दरिंदे ने उनका सौदा करके कुछ रुपयों के लिए उन्हें बेच दिया था। दिल दहला देने वाली इस बात की खबर पहले ए मीम पार्टी की महिला प्रमुख नजमा बेन खान को मिली, जिसके बारे में नजमा बेन ने ए मीम पार्टी के सूरत शहर प्रमुख वसीम भाई कुरेशी को जानकारी दी और दोनों ने मिलकर इस मिस्ट्री मामले की गहराई से जांच पड़ताल शुरू की। गहराई से इस मामले के बारे में जांच पड़ताल करने पर बच्ची के आंध्र प्रदेश में होने की जानकारी उनको मिली, तो बड़ी ही जिद्दोजहद करके समाज सेवा करने के नेक मकसद से और अपने रास्ते में हजारों मुश्किलें, कई छोटी बड़ी अड़चने, कई लोगों द्वारा फ़ोन पर किए गए दबाव डलवाने के बावजूद भी अपने दम पर और अपने हौसलों पर बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर वसीम भाई और नजमा बेन ने आंध्र प्रदेश जाकर दो बच्चियों को उन दरिंदों की कैद से मुक्त करवाया और उन्हें वापस सूरत अपने वतन लेकर आए और उनके माता पिता के हवाले किया। इस काबिले तारीफ और सराहनीय कामगिरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वसीम भाई कुरेशी और नजमा बेन की जिंदा दिली ने इस मिस्ट्री को सुलझाया। इनकी इस जाबाजी और जिंदा दिली कामगिरी पर हम भी इन्हें दिल से सल्यूट करते हैं। इनकी तारीफ जितने अल्फाजों में की जाए वो सब इनकी बेहतरीन कामगिरी के आगे कम है। इनके ऐसी बेहतरीन काम की सराहना करते हुए गत रोज सूरत के मोमनावाड़ में स्थित सोडावाला कॉरपोरेशन के समीप सोडावाला कॉरपोरेशन के मालिक और सामाजिक आगेवान समाज सेवा करने में बिना किसी जाति और धर्म का भेदभाव किए बगैर हमेशा आगे रहने वाले मुस्लिम समाज के आगेवान जुबैर भाई सोडावाला, इकबाल भाई बापू, आरिफ भाई समा और सलीम भाई शेख द्वारा ए मीम पार्टी के सूरत शहर प्रमुख वसीम भाई कुरेशी और नजमा बेन खान के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें फूल पहनाकर और साल ओढ़ाकर उनका सम्मान सत्कार किया गया और उनके काम की सराहना की गई। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पहले उन पर फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें शहर के महानुभाव शामिल हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आपको बता दें कि वसीम भाई और नजमा बेन द्वारा जो मिस्ट्री सुलझाई गई है, उस मिस्ट्री और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दलदल में आंध्र प्रदेश में अभी और भी बच्चियां फंसी हुई हैं, जिन्हें मुक्त करवाने के लिए वसीम भाई और नजमा बेन द्वारा एक स्पेशल स्क्वाड टीम बनाकर उसका गठन किया जाएगा और उस स्पेशल स्क्वाड टीम के साथ मिलकर उन सभी फंसी हुई बच्चियों को मुक्त करवाया जाएगा, ऐसी जानकारी भी उनके द्वारा मिली है। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज सूरत। आपका नाम, किस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? मेरा नाम वसीम कुरेशी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूरत शहर प्रमुख। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये मेरे सम्मान के लिए रखा गया था। हमारे दोस्तों ने ये प्रोग्राम रखा था यहाँ पर। अच्छा, आपने काफी जिद्दोजहद करके अपने दम पर, मतलब सूरत से गायब हुई लड़कियों को आंध्र प्रदेश से आप वापस लेकर आए, तो आप उसके बारे में, किस तरह का आपका सफ़र रहा, किस तरह का आपको, आपने स्ट्रगल किया, उसके बारे में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल जी, ये स्ट्रगल नहीं है, देखो मेरा ये फ़र्ज़ है और हर फर्द का ये फ़र्ज़ है। अगर हमें पता है कि हमारी बच्ची किसी की भी हो, चाहे वो मेरी हो या किसी की हो, मेरे पड़ोसी की हो, बच्ची होती है। और ऐसे हालात, आज के जो हालात है ना, गरीब बच्चियों पर जो अटैक हो रहा है कंटिन्यू, आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, तो उसका ऐसा नहीं बनाया, निज़ाम नहीं बनाया किसी सरकार ने कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो एग्जांपल सेट करें बेटी पढ़ाओ, इसका उल्टा काम हो रहा है।
मतलब बच्चिया को फंसाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, वो गरीब घर के, इसलिए कि भाई वो आंध्र प्रदेश नहीं जा सकते। जो जिस बच्ची की, जिसकी माँ थी हमारे सामने आई, उसके पास इतना नहीं था कि वो 350 रुपये रिक्शा भाड़ा कर सके, तो वो आंध्र प्रदेश तो कैसे जाती है बताइए। तो ऐसी पोजिशन में ये मुझे ऐसा लगा कि मेरा फ़र्ज़ है, अब ये यहाँ हमें पहुँचना चाहिए। हमारी बहन ने हम बहुत हिम्मत दी और मेरे साथ में सलीम भाई, रिजवान, इन लोगों ने हिम्मत दी कि हम जाके काम करेंगे, चाहे जो भी हो। हम बिना अंजाम की परवाह करे अगर गए थे, लेकिन अल्लाह ने सारा काम आसान किया अलहमदिल्ला। और बच्ची को लिया जद्दोजहद तो खैर बहुत हुई, क्योंकि सिस्टम में कोई सिस्टम नहीं रहा अभी। तंत्र जो लोकतंत्र की बात हम भारतवर्ष में करते हैं, वहाँ लोकतंत्र का कोई सिस्टम रहा नहीं है कि कहीं जाके हम फरियाद करें, हमारी फरियाद सुनी जाए। फरियादों के लिए भी एक महीना लाइन लगानी पड़ती है। ऐसी पोजिशन आ चुकी है आज भारत में, और इसका सारा श्रेय मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को जाता है कि ये सिस्टम नहीं बन पाया, और वो बनाने नहीं चाहते, अब बना नहीं रहे, वो बेहतर वही जान सकते हैं। सर, पांडेसरा में काफ़ी घटनाएं छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ बनी है, जैसा कि पहले अनिल यादव को फांसी हुई, फिर गुड्डू यादव को, और अभी आज दिनेश मेहसाणा जी। तो ऐसे हैवान दरिंदों के लिए आप क्या मैसेज होगा? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो ये लोग वैसियत काम कर रहे हैं, जिनको ये जो समझ में आता है, इसका सिस्टम है सारा नशा। नशे का जो कारोबार है ना, उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। नशों के कारोबार में कंट्रोल करो तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। हमारी बच्चियों को हम अगर बाहर उठने पे खेलने नहीं देने जाने नहीं देंगे तो कहाँ खेलेंगे हमारी बच्चे? हमारी बच्चियों की हिफाजत सिर्फ हमारी भी नहीं है, सरकार की भी है। सरकार पूरी तौर तरीके पे, किसी को फांसी दे देना बेहतर है, मैं मानता हूँ अच्छा कायदा, अच्छा कानून है, अच्छे फैसले लिए हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि इबरत हासिल होगी इतनी आसानी से। इबरत हासिल भी हो गई, जो करने वाले हैं उनके लिए कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना सरकार को, या फिर नशे के कारोबार पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जगह जगह देख लीजिए, यहाँ मैं कहता हूँ ये सिटी का एरिया, यहाँ भी नशे के कारोबार हो रहे हैं, तो एक कंट्रोल नशे से करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली लोग उस पर कंट्रोल होगा। इन सरकार को काम करना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं होगा। फांसी देने से कुछ नहीं होगा, फांसी देने से मर गया बात खत्म नहीं होती है, इसके पहले भी कई फांसी हुई है। अच्छा, ये अभी जो लड़कियां वहाँ जो भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब वहाँ गए तो हमें पता चला कि और भी लड़कियाँ इधर उधर बेची गई है। कई एक फ़ोन, एक माँ को एक फ़ोन आया था कुछ देर के लिए कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, और फिर उसके बाद में उसका कोई फ़ोन नहीं है। ऐसी ऐसी औरतें हैं, दो दो बच्चों की माँ है, उनके भी सौदे हुए हैं। तकरीबन ऐसे किस्से काफ़ी बाहर धीरे धीरे आएंगे, लेकिन क्या है कि मैं अकेला या नजमा बहन अकेली कितना लड़ेगी, हमें तो आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग साथ होंगे तो सिस्टम से बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह अज़ीम, और ये रैकेट का पर्दाफाश करेंगे। आप सोचिए कि एक बच्ची का सौदा 4 लाख रुपए में पूरी ज़िंदगी, और 15 साल की बच्ची है, और ऐसी कई बच्चियाँ हैं कैटरिंग का काम करके, कैटर का काम करके बहाने से ले जाते हैं, और इस तरह से सौदे करते हैं, और सौदे करने वाले धमकाते हैं, हमें भी धमकाया कि आप आओ तो सही, इधर देखते हैं क्या होता तुम्हारे साथ। तो ये प्रशासन का काम है, इन्हें करना चाहिए, इन्हें ध्यान देना चाहिए, शिकायतें लेनी चाहिए। आप एफआईआर करना सीखिए, आप घुमाइए मत। जब तक शिकायतें नहीं ली जाएंगी तो धक्के खा खा के कितने धक्के खाएंगे। तो ये सिस्टम को थोड़ा बदलने के लिए, सिस्टम का हिस्सा, मैं मेरे लोगों से कहना चाहूँगा कि सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश करें। हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो अपने हमारे काम हम खुद ही करेंगे इंशाल्लाह। सर, आपको इस काम के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से क्या मदद? पहले तो कहना चाहूँ तुम जीरो है, पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं। हमारे साथ एक अनऑफिशियल कॉन्स्टेबल भेजा गया, लेकिन जब हमने उनसे पूछा रास्ते में, भाई तो बोले मैं कोई ऑफिशियल नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ, तो वो तो मीनिंगलेस हो गया। और उनके जाके वहाँ उनका कोई काम भी नहीं था, वहाँ भी उनको डांट पड़ी कि आप कुछ लेके नहीं आए, तो हम कैसे दे बच्ची को? अनऑफिशियल एक बताने के लिए भेज दिया कि भाई आप जाइए। बाकी एफआईआर यहाँ जीरो नंबर की करनी चाहिए थी पीआई साहब को, तो करने के बाद हमारे साथ कॉन्स्टेबल भेजना चाहिए था, वहाँ हमारे लिए काम आसान बनाना चाहिए था। जब पता था कि वहाँ काम आसान नहीं होगा, फिर हमें क्यों भेजा गया, फिर हमें क्यों बताया गया? जी, मेरा नाम है नजमा खान, MIM सूरत महिला प्रेसिडेंट। अच्छा, सूरत से जो बच्ची गायब हुई थी उसे आंध्र प्रदेश से लाने में, मतलब उसके, मतलब वो सफ़र के अंदर आपको, मतलब किस किस का सपोर्ट रहा, किन के साथ आप वहाँ गए, उन लोगों की तरफ से क्या क्या आपको दिक्कतें आई, वो सब?
पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि लड़की को 1.5 महीने से घर से गायब थी। 1 महीने से उसकी अम्मी बहुत पुलिस स्टेशन में गई, किसी ने उसकी फरियाद नहीं ली। लिम्बायत में से उसको 3 बार हकाल दिया गया। उसके बाद किसी ने उससे मेरा एड्रेस दिया, मैं ऊन रहती हूँ। वो लड़की हम उसकी माँ हमारे पास रोते हुए आई और उसने मुझे बताया मेरी बेटी को 4 लाख में बेच दिया गया है आंध्र प्रदेश। उसको बोलते भी नहीं आता था कि कोई गांव है वहाँ बेचा। मैं वैसे ही हमारे भाई वसीम भाई है उनको कॉल किया, टाइम भाई थे रिजवान भाई उनको बुला, उन्होंने बुला जाओ। वो हमारे भाई पहले ही ऑलरेडी कहीं से आए थे, फिर भी मुझे टाइम दिया, बुलाया और मैंने उनको जैसे ही मेरी बात रखी, मेरी आधी ही बात थी, हमारे वसीम भाई ने बोला आपा कुछ नहीं करना है, आंध्र प्रदेश चलना है। तो हम FIR करने गए, हमारी FIR नहीं ली। मैं खुद भी गई, वसीम भाई भी गए, हमको मना कर दिया, यहाँ से FIR हो ही नहीं सकती है। बोले क्यों होगी FIR, जाके तुम लड़की ले आओ। हमको उधना PI ने बताया तुम अपने खुद जाके लड़की ले आओ। मैंने रिक्वेस्ट करी, वसीम भाई को बोला, वसीम भाई ने बोला, बोले वसीम भाई आप ले आओ ना लड़की। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं करा। और जब हम गाड़ी में गए, हम लोग यहाँ से 7 जन गए थे, आने के टाइम 9 जन हो गए। उसके बाद उन्होंने हमें इतना रास्ते में भी मुझे पर्सनली रात को 11:30 बजे तक के वहाँ के PI की धमकी आई। ये बोला गया कि आप रहने दो ना, लड़की को लेने क्यों आ रहे हो, आपका क्या फ़ायदा है। कुछ टॉकिंग इंग्लिश में थी, कुछ हिंदी में थी, आप रहने दो बोले। फिर भी उसी जद्दोजहद पे हम गए, हमें बहुत धमकियां मिली रास्ते में भी और बहुत परेशानी का सामना हमें करना पड़ा हद से ज़्यादा। लेकिन आप लोगों का सबका साथ और दुआओं से हम लड़कियों को लेके सही सलामत आ गए। जी, और कितनी लड़कियां वहां पर फंसी हुई है? अभी हमें 2 लड़की लाए हैं, उस एरिए में नहीं है और कहीं कहीं एरियो में लड़कियाँ फंसी है। मैं ये बताती हूँ कि अभी तक के कोई संस्था के कोई पार्टी आगे नहीं आई, सिर्फ के बच्चियाँ। मैं बताऊं कि कहीं जगह ये हादसे हो रहे हैं, आज हमारी 12, 13, 14 साल की बच्चियों के साथ ही ये हादसे हो रहे हैं। कोई उठा के कहीं बेच देता है, कोई क्या करता है, कोई एक शादी के बहाने उस बच्ची को 4 लाख में बेचा, खरीदने वाले ने खरीदा, बेचने वाले ने बेचा, नुकसान सब कुछ लड़की का हो गया। 14 साल की लड़की ने अपना सब कुछ खो दिया। जो मैं एक औरत होने के नाते मुझे कहने को भी अफसोस होता है कि उस 14 साल की लड़की के साथ उस दरिंदे ने क्या नहीं किया होगा।